दिस इज माई फर्स्ट मोटो ब्लॉग, फर्स्ट मोटो ब्लॉग। मैं इससे पहले कभी मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं, सिर्फ वीडियोस देखे हैं मोटो ब्लॉगिंग करने के। आज जब मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा तो लग रहा है। मेरी बाइक 2008 किलोमीटर चल गई पूरी की पूरी। लास्ट टाइम जब पेट्रोल भरवाया था मैंने, तब ट्रिप वन में 113 किलोमीटर चल चुकी है। बैटरी का इशू इसके बाइक में बहुत पहले से है। 5 महीने घर रह के आया ना, इसकी बाइक एक ही जगह खड़ी रही, इसकी वजह से बैटरी का इशू ज़्यादा आ गया है। अरे अरे, अरे तेरा पीछे का चक्का भाई एकदम लॉक हो गया था। अभी पीछे का चक्का स्कीट किया है मस्त वाला, लॉक हो गया था। ये रास्ता यहाँ खराब है, भूकंप आया था इसके लिए ये नीचे चला गया है। ये पूरा रास्ता दिख रहा है ना कितना ज़्यादा ख़राब है। बारिश के टाइम पे तो ये रास्ता मतलब ख़त्म ही हो जाता है। हर साल इधर पिच डालते हैं मगर हैवी रेन की वजह से सारे पिच निकल जाते हैं। इधर का एक ही ऑप्शन है, अगर अच्छे से सीमेंटेड रोड बनाएंगे ना कॉन्क्रीट वाला, तभी कुछ सर्वाइव भी कर पाएगा। अदरवाइज़ मुंबई और मुंबई के रोड के खड्डे वर्ल्ड फेमस है। अभी तो ये सूखा हुआ है ना, जब बारिश होती है तो ये और ये दोनों इक्वल रहते हैं। इधर भी पानी भरा होता है, इधर भी पानी भरा होता है, और लोग इसमें पानी में अपनी कार या बाइक चलाते हैं, ऑटो भी। आज याद हो रहा है मोटो ब्लॉगिंग। ये रोड के दोनों तरफ पेड़ है यार, ऐसी गर्मी के टाइम पर तो ये पूरा रोड है ना, इतना धूप, इतना भी तगड़ा हो ना रोड के ऊपर धूप नहीं आता था। जय बजरंगबली। इधर तो कम है, अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा घना जंगल है। ये देखिए सीन, ये है सीन भाई साहब, दोनों तरफ से पेड़, बीच में रोड, धूप तो आएगा ही नहीं। मैं इधर वॉक रनिंग करने के लिए आता हूँ, देखो भाई भी रनिंग कर रहा है। मस्त सीन है, ग्रीनरी ग्रीनरी, पूरा घना जंगल, इधर भी जंगल, बीच में रोड, और रोड के ऊपर ये पेड़ देखिए कैसे जुड़े हुए हैं दूसरे से। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक्चुअली में जा कहाँ आ रहा हूँ। मैं और विक्की अपने अपने बाइक को लेकर जा रहे हैं, अपने बाइक में कुछ कुछ एक्सेसरीज लगवाने हैं। जैसे आप देख सकते होंगे मेरा ये वाला शीशा नहीं है, सिर्फ एक शीशा है, तो शीशा लगवाना है, प्लस मुझे लाइट्स लगवाना है बाइक में, और चार्जर लगवाना है ताकि अगर मोटो ब्लॉग करने के लिए कहीं बाहर निकलें, सिर्फ मोटो ब्लॉग नहीं, अगर घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि कहीं बाहर जाएंगे इस वीकेंड, अभी नहीं बताऊँगा कि किधर जाने का है, वो वीकेंड के दिन जब निकलेंगे तभी आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो उसके लिए बाइक को तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसके बाद 2 दिन सैटरडे और संडे का पूरा प्लान है हमारा कि घूम के आएंगे थोड़ा आसपास की जगह। बहुत टाइम हो गया ना इधर आए हुए, उसके बाद कहीं गए नहीं है, तो क्या होता है ना बाहर ज़्यादा निकलता नहीं हूँ तो मन और मारने लग जाता है। पैर ऊपर कर लेता हूँ, विक्की ने भी सेम डाला जैसे मैंने डाला है पैर। बहुत गंदा पानी है यहाँ पे, बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही है, देखिए पूरा पानी जमा हो रहता है इधर जी। दोनों साइड से ना वो दब गया है, और पीछे मेट्रो का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो भी लैंड ऊपर हो गया है, पानी को निकलने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है, इसके लिए यहाँ पे जम के रखता है। फॉर्चुनर मेरी बहुत अच्छी फेवरेट वाली कार है फोर व्हीलर में, लेकिन ये कलर में अच्छा नहीं लग रहा है। कंप्लीट वाइट होता है ना इस कलर वाले वाइट में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, डिसेंट टाइप का। अंकल को राइट लेना है रे, रुक जा। अभी मेरे को सिर्फ राइट से ही दिखता है कि पीछे कुछ है या नहीं है, लेफ्ट साइड वाला बिल्कुल ब्लाइंड है मेरा। बाग बगीचे पेड़ पौधों के बीच से निकल के अब हम लोग आ गए हैं शहर की ओर, मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं आसपास। ट्रैफिक तो उधर भी थी इधर भी है, ये देख रहे हो कितनी ट्रैफिक है इधर। हम बाइक का सबसे साइड में लेके निकल रहे हैं बाइक अपनी, बीच में तो बहुत ज़्यादा जाम है, बीच में नहीं पूरा रोड ही जाम है यार। ये आगे का सिग्नल है ना इतना लंबा रहता है, लोग जाते हैं ऊपर। ये मेट्रो लाइन है, उस वक्त भी जब ये मेट्रो बन रहा था ऐसे ही जाम रहता था, अभी भी ऐसे ही जाम रहता है। ये देखो मजे लो मुंबई के ट्रैफिक के, बिना मास्क वाले के लिए हाथ डाल रहे हैं, फाइन करते हैं BMC वाले। अगर बिना मास्क के आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तब ये रेड लाइट के पास हम लोग पहुँच गए, कार से होते तो अभी पीछे ही होते। कितने लोग खड़े हैं आगे,
रेड लाइट जेब्रा क्रॉसिंग को पार करके खड़े हैं ये लोग। चलो कम ऑन। उधर उल्टा साइड बैटरी ले ले, क्या? ले ले हो रहा है हो ये 5-6 महीने गाड़ी तेरी बंद रही है ना इसके लिए ऐसा हो रहा है। अभी यू टर्न मार के उल्टे हाथ से आना है अपोजिट साइड में दुकान है ये है द बाइक शॉप यहीं आके देखते हैं चीज़ें मिल रही हैं क्या प्राइस वगैरह है देखेंगे पसंद आया तो करते हैं। क्या हेलमेट है यार यार जैकेट तो मस्त लग रहा है देखने में क्या सेक्सी सेक्सी सही सही है यार शूज़ भी शूज़ ये वाले अच्छे लग रहे हैं यार ये सब पहन के बाइक चलाने में अलग अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले बिक्की जिस दुकान पे लेके गया था ना भाई साहब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव दुकान था वो कि हम लोगों की बात लग गई। क्या भाई यहाँ पे भी मैं ही लेके आया यहाँ भी यही लेके आया है मगर यहाँ पे उसी सेम चीज़ आधे प्राइस में मिल रही है जो वहाँ पे 1700-1800 रुपये का लाइट बता रहा था यहाँ पे हम लोग को कितने में मिला 500 रुपये में। लेक गार्ड को पहले हमने ड्रिल करवाया है अब वहाँ पे लाइट फिक्स करेंगे विक्की के बाइक में तो सिर्फ चार्जर लगाना है उसको लाइट नहीं लगाने का है। अभी अभी निकले हैं वहाँ से ये चार्जर लगवाया है और लाइट लगाया है लाइट दिखाते हैं 1 2 3 ऑन ये लग गई लाइट बढ़िया वाली ज़बरदस्त हवाई मज़ा आ गया ये देख करके अलग लेवल की खुशी हो रही है। अभी जब निकलेंगे ना ट्रिप के लिए मौज आ जाएगा भाई मौज आ जाएगा। जो चार्जर लगवाया है वो भी ऐसा है जिसमें फ़ोन भी चार्ज हो सकेगा कैमरा भी चार्ज हो सकेगा मतलब चार्जर के साथ लगवाया है और लाइट तो लगाया है जो आप देख ही रहे हो पूरा रोड पे एकदम झाग मार रहा है। अभी 8 बजने वाले हैं 4 घंटे लग गए भाई दोनों के बाइक में काम करने में भूख बड़ी तगड़ी लगी हुई है बहुत तेज़ वाली इसलिए दिमाग अभी काम कर नहीं रहा। देखो जब पेट में अच्छा खाना जाता है ना तो आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर सा दिखने लगता है मेरे साथ तो ये होता है अच्छा खाना खाने के बाद दुनिया खूबसूरत दिखती है मुझे। अभी मैं तेज चला के जा रहा हूँ तो विक्की मुझसे बोल रहा है कि तू आर्य कॉलोनी पहुँचने का वेट कर रहा है ना क्या है इधर तो सड़कों पे लाइट्स लगी हुई हैं स्ट्रीट लाइट इसके लिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है मगर आगे आर्य कॉलोनी में जाने पे उधर स्ट्रीट लाइट है नहीं पूरा अंधेरा होगा तो इसके में मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि इस लाइट में मेरे को कितना नज़र आएगा आँखों से और कैमरे में दोनों। कॉलेज के टाइम पे आप लोगों को पता है मेरे पास पल्सर 150 थी जो अभी मैंने बिहार में रख दिया है पापा के पास। मेरे पापा भी बोल रहे थे कि उनको भी उसके अंदर ऐसी लाइट्स लगवानी है लेकिन वहाँ पे लगवा नहीं पाए थे। अभी ये दूसरी बाइक भी मैंने ली तो पल्सर ही लिया 125 क्योंकि एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊँचा हो रहा है और दूसरा रीज़न ये है कि पल्सर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें लो मेंटेनेंस माइलेज भी अच्छा होता है पिकअप भी अच्छा है मेरे को 100-200 की स्पीड पे चलाने का है नहीं उतना ज़्यादा स्पीड में मैं चलाता नहीं हूँ नॉर्मली ठीक है। अब क्या है बुलेट वगैरह या अमित ने जो ये बाइक लिया हुआ है तो शहर के अंदर कम्यूट करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ये सब। ये भी है ड्यूक 125 मेरा पल्सर 125 लुक वगैरह अच्छा रहता है इन सब गाड़ी का मगर पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है। ये बात अलग है कि जब से इसको मैंने ख़रीदा तब से इसको ठीक से चलाया नहीं जम के बेचारा खड़ा ही रहा है। अभी 19 दिसंबर में ख़रीदा था मैंने 20 पूरा गया 21 दिसंबर आने वाला है 2 साल में सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है मेरी बाइक लेकिन कोई नहीं अभी जो प्लान कर रहे हैं ना वीकेंड का वो तगड़ा रहेगा गाइस वो आप लोग देखेंगे ना मैं खुद एक्साइटेड हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा। ये आ गया अपना आर्य कॉलोनी जिसमें बिल्कुल लाइट्स नहीं है जो जाते वक्त पेड़ पौधे दिखा रहा था और ये लाइट जो आपको दिख रहा है रोड के अंदर जो भी कुछ आपको दिख रहा होगा ना वो बस इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने लाइट चला कर रखा है नए लाइट लगवाए हैं और रास्ता थोड़ा ख़राब है तो मैं थोड़ा आराम से चलूँगा एक्साइटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगा। ये वही ख़राब वाला रास्ता आ गया सड़े हुए पानी की बदबू जहाँ पर आ रही थी पैर ऊपर अरे ये तो पैर तो ऊपर कर लिया लेकिन वहाँ पर लाइट लगाया है भाई चल 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 साइटो साइटो भाई रोड जो है ना गीला है मुझे डर लग गया अभी थोड़ा कहीं चक्का फिसल ना जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितने पैसे खर्च हुए हैं इन सब चीज़ को लगाने के अंदर। लाइट्स 2 लगे हैं 500 रुपये का और ये जो चार्जर मैंने लगाया है 450 रुपये का चार्जर लगाया बाकी इनको लगाने के 100-100 रुपीज़ दोनों के लिए हैं तो 500, 400, 900, 1100, 1100 रुपये 1100 रुपये खर्च किया मैंने इसके अंदर और मेरी बाइक एकदम हो गई रेडी टू मूव। दिस इज़ माई फर्स्ट मोटो ब्लॉग फर्स्ट मोटो ब्लॉग मैं इससे पहले कभी मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं सिर्फ वीडियोज़ देखे हैं मोटो ब्लॉगिंग करने के
आज जब मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा तो लग रहा है, बट इन केस अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ खामियाँ नज़र आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सपोर्ट बनाए रखिए थोड़ा, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहेगा। चलो अब अमित के अपार्टमेंट में ये जगह मेरी फिक्स है पार्किंग करने की, लाइट ऑफ कर दो, मज़ा आ गया आज ड्राइव करके।